हेलो मेरे स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था, एक्चुअली क्या हुआ था, किसी किसी बच्चों ने लेक्चर को 45 मिनट का देखा और किसी बच्चों का 18 मिनट का ही हो पाया था। तो 18 मिनट के बाद वाला पार्ट में इसी सेशन में डिस्कस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आज भी समझ में आ जाएगा और कल भी आ जाएगा, कोई बात नहीं उसके लिए। तो अब हम आगे की ओर डिस्कस करते हुए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि आप वो 18 मिनट वाला सेगमेंट एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। उस सेगमेंट में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, उस सेगमेंट में बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था एबीएमओ और बीएमओ। एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और बीएमओ में बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और हाँ, कल का जो 45 मिनट वाला पार्ट था उसमें कुछ मैंने अलग तरीके से बताया होगा, आज मैं कुछ अलग तरीके से भी बता सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बीएमओ। बीएमओ एक्चुअली में होता क्या है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल या फिर बीएमओ, ठीक है। अब देखो बीएमओ आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि सिंपल समझना, बीएमओ में एक्चुअली आप लोगों ने जानते होंगे, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने फोर्थ पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा, ध्यान से समझना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यहां पर डी ब्रोगली के बारे में पढ़ा होगा, साथ साथ आपने किसके बारे में पढ़ा होगा बच्चों, यहां पर आपने हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर आपने इसी के थ्रू श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने निकाला होगा, ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने निकाला होगा। क्या निकाला होगा आपने, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, H φ = E φ, यह होगा आपका हेल्मिंट टर्म और कॉफिशियंट, और ये आपका एनर्जी। इस तरीके से कोई इक्वेशन आती थी, ये एक्चुअली में इन दोनों का कंबाइंड पार्ट है, इन दोनों का कंबाइंड पार्ट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कुछ ऐसा, यानी नहीं तो आप उसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा होगा, d²ψ/dx², ठीक है, d²ψ/dy² ऐसा कुछ लिखा होगा बच्चों, Δ²ψ/dz² ऐसा कुछ लिखा होगा, और यहाँ पर एनर्जी और ये आपका कुछ ऑपरेटर का साइन बना होगा, इस तरीके से कुछ आपका होगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपने कुछ पढ़ा होगा वहां पर, ये होता थोड़ा बहुत, मैंने अभी यहाँ पर कंप्लीटली नहीं लिखा है श्रोडिंगर इक्वेशन, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरीके का होता है। इन दोनों से ये आया एक्चुअली ने डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने आपको क्या बताया था, डी ब्रोगली ने आपको बताया था कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका वेव नेचर भी शो करता है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करता है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहां पर मैंने आपको बताया था, और आपके हाइजेनबर्ग में क्या होता है, एक टाइम पर आपका इस तरीके का कुछ आपको बताया होगा सर ने, ΔX/ΔP < =H/4π, इस तरीके का कुछ बताया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा हुआ था, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था। अब हम समझते हैं कि डी ब्रोगली की कॉन्सेप्ट को ही लेके श्रोडिंगर इक्वेशन बना, बात समझ में आई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें हम वेव पार्ट को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हुए हम पूरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने फर्स्ट फर्स्ट डेराइट में ही बता दिया था, जब मैंने आपके कोवेलेंट बॉन्ड को चार पार्ट से स्टडी करने के लिए बोला था कि कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टी को एनालिसिस करना काफी मुश्किल है, इसके लिए उसकी उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमको चार डिफरेंट पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड आपका कौन सा था बच्चों, सेकंड आपका था यहाँ पर सेकंड आपका VACPR, थर्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने फर्स्ट सेकंड को क्या बोला था,
वीबीटी थियरी के अंदर आएगा, थर्ड भी आपका वीबीटी थियरी के अंदर आएगा, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्लासिकल एज वेल एज पार्शियल क्वांटम मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो एमओटी थ्योरी है वो कंप्लीटली क्वांटम मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे आपके क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का खेल है। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स एक आपके सिंपल बोल सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट चलता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज चलता है। और क्वांटम मैकेनिक्स आपका बहुत ही बड़ा, वो बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसको समझना काफी मतलब टिपिकल है, लेकिन एज वेल एज अगर हम उसको कोशिश करेंगे तो हम उसको समझ जाएंगे। अगर आपने क्वांटम क्वांटम के बारे में समझोगे तो ये आपको अपने आप आ जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलो, ठीक है, वहां पर हम किसी पार्टिकल के नेचर के बारे में सब चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एक एक करके यहाँ पर बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके, मैंने आपको बताया था लास्ट थर्ड पॉइंट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां पर मैंने बोला कि यहां पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर कितने बनेंगे, दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं एमओ वन एंड एमओ टू, ठीक है, एमओ वन एंड एमओ टू। उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बीएमओ टाइप का होता है और एक आपका एबीएमओ टाइप का होता है। तो अभी इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, बीएमओ टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बीएमओ टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा समझते, ठीक है। जैसे मैं मान लू कि मैं एक ऑर्बिटल बनाता हूं, ऑर्बिटल के लिए आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आर आर और साई फंक्शन के बीच में कर्व, आर और साई फंक्शन के बीच में कर्व, तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, आई और साई फंक्शन के बीच में कर्व आपने कुछ ऐसा बनाया होगा। यहां पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट आपका हो सकता है, तो यहां पर कोई भी कांस्टेंट मैं लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, ठीक है, ठीक है, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ अगर एड हो जाएगा, ये आपका मैंने 1s का बना रहा हूं, 1s का पिक्चर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये आपका 1s का है, r इस तरफ जाएगा और यहां पर मैंने लिख दिया कोई दूसरा कांस्टेंट cb साई b, और ये b ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ b, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ b। अब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा बच्चों, आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनेगा, दोनों का एडिशन होगा, दोनों का क्या होगा बच्चों, एडिशन होगा। अब यहां पर आपके दोनों का एडिशन होगा, तो दोनों का एडिशन होने के बाद आपका क्या बनेगा, दोनों का एडिशन होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझेंगे काफी इजी है, दोनों का एडिशन होने के बाद आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान से समझते हैं क्या बनेगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व बन जाएगा, इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। अब इस तरीके का हमारा कर्व बन गया है, अब इसमें मैं आपको समझाता हूं इसमें कंसेप्ट क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा सी ए साई ए, ठीक है, सी बी साई बी, ठीक है, और ये रेडियाई, ठीक है, दोनों के बीच की रेडियाई, इस तरीके का आपका कर्व बनेगा। अब बात समझते हैं कि इसको हम बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर फिजिक्स में एक आगे जाके आप पढ़ोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने आपको बताया था कि डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो आपके वेव के फॉर्म में मूव करते, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं 1s का ऑर्बिटल बनाऊं, 1s ऑर्बिटल के लिए अगर मैं बोलना चाहूं तो 1s ऑर्बिटल के लिए मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, ये आपका इस तरीके से 1s का बना दिया, दूसरा भी क्या होगा इस तरीके से होगा, ठीक है, दूसरा भी आपका इस तरीके से होगा, मतलब सिमिलर फेज, फेज क्या होंगे बच्चों, सिमिलर फेज वाले होंगे, सिमिलर फेज, फेज डायग्राम इन दोनों का क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा, मतलब ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, देखो ये दोनों प्लस प्लस है, मतलब फेज आपके क्या है, सिमिलर, सिमिलर फेज वाले जब आपके जुड़ेंगे
तो यहाँ पर जो इसका फेज डायग्राम है वो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ समझना। तो ये तो मैंने बना दिया इसका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फेज डायग्राम से समझा दिया। अब रही बात कि यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर इसको आप लोग नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, फिर मैं इसको रब करता हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इसी के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो इसके लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखना चाहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइन एज व्हाट, साई स्क्वायर ऑपरेटर। प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, साई स्क्वायर ऑपरेटर से, इस तरीके से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिफाइन करते हैं, साई स्क्वायर ऑपरेटर से, ठीक है। ये आपका एक टाइप का डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है, बस इतना जान लो, काफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आगे जाके आपको खूब पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर हुए हो तो आपको काफी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं, यहां पर क्वांटम या फिर आप ना मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखो, इसको हम यहां पर इसको हम इस देखो यहां पर सीए को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कोई बात नहीं, सीए एंड सीबी इज अ कॉन्स्टेंट, दोनों आपका एक कॉन्स्टेंट होता है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूं। देखो सीए स्क्वायर साई बी स्क्वायर, अब इन दोनों का मिला के क्या बनेगा, साई ए स्क्वायर साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख सकते हो कि जब मैं यहां पर किया तो यहां पर क्या बना, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी, ठीक है, ऐसा हो गया। अब आप समझ सकते हो कि यहां पर साई ए का स्क्वायर साई ए का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर दोनों सिमिलर है, लेकिन जब मैंने दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाया तो आपके क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी टू साई ए साई बी से बढ़ गई। जब आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी टू साई ए साई बी से बढ़ गई तो यहां पर हमको इससे क्या समझ में आता है, फेजर डायग्राम से हमको यह समझ में आता है कि आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियाई के अराउंड न्यूक्लियाई के इन बिटवीन न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होगी। देखो इसको मैं कैसे बताता हूँ, देखो यहाँ पर टू साई ए साई बी से ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की। तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बस इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही आएंगे, इसके अलावा कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ये आपका इस तरीके से, ये मैंने बना दिया, ये आपका इस तरीके से, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका साई ए, ये आपका साई बी, ये आपका ऑर्बिटल हो गया, दो ऑर्बिटल बना दिए। अब दोनों ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिखता था ना हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्बिटल साई ए साई बी ऑर्बिटल, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी डी साई एस ऑर्बिटल डी, मैं जब एनर्जी लिखता था तो एनर्जी में मैं ऐसे लिखता था ना बच्चों, याद आया होगा आपको, एनर्जी ऑफ साई ऑफ टू एस ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल लिखने का एक तरीका है, ऑर्बिटल को लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है, साई ए साई बी। अब इन दोनों से जो जुड़ के बनेगा वो देखो, इसकी वजह से यहाँ डॉट यहाँ डॉट, मतलब यहां पर न्यूक्लियाई है, इस लाइन को हमने न्यूक्लियाई के लिए डिनोट किया है। देखो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आप समझ सकते हो, अब आप इजीली समझ सकते हो कि बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इस पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इस पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब इस पार्ट में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियाई से भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन ये यहां के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियाई से भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब इन दोनों से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, यहां पर अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, और अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हेंस मैं क्या बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बढ़ जाएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, मुझे आप लोगों को अब पता पड़ गया होगा क्यों होती है, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है,
इसी तरीके से मैं अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करूं, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक तो MO1 बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूं यहां पर ABMO के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ABMO के बारे में। तो ABMO में क्या होगा, समझते, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार करोगे तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा कि ABMO में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ABMO में ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, यहां पर समझते हैं। ABMO में आपका क्या होगा, देखो यहां पर मैंने लिख दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आप मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, मैं फेज डायग्राम बना रहा हूं, ऐसे बनाएंगे 2s का। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 2s का रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं, साई है साई है। ठीक है, ये आपका आर डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल का, ये आपका फिर से एस ऑर्बिटल का, लेकिन इस बार आपका इस तरीके से ना हो कि आपका एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ये यहां पे आर, यहां पर CA CB CB। अब हम इसको कैसे लिखेंगे इस टर्म में, तो एंटी बॉन्डिंग में AO AO, ये ए के लिए, ये आपको किसके लिए, बी के लिए, इसके लिए। तो इसको लिखने का तरीका समझो, प्लस CA Si A प्लस ब्रैकेट में ये नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस CB Si B, ये जुड़ के आपका क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, इसका साइन कहां जा रहा है, प्लस में, और इसका साइन कहां जा रहा है, माइनस में। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऐड करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आप लोग समझ सकते हो, ऐड करने पर मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, काफी इजी है, आप लोग इजीली समझोगे बच्चों। ये थोड़ा सा बना देता हूं बच्चों मैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, देखो ध्यान से समझना, बात क्लियर है। अगर मैं बोलना चाहूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जब कोई है ना साई का कर्व अगर किसी एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, तो इसका मतलब यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर साई की वैल्यू जीरो, तो साई स्क्वायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। अब बात को समझते हैं, यहां पर कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। आप फेजर डायग्राम समझ सकते हो कि फेजर डायग्राम में मुझे बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बना देता हूँ, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा आप लोग इजिली समझ सकते हो। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी भी निकालना सीखेंगे, किस तरीके से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फेजर डायग्राम में आपको बताता हूं, ऐसे ना बना के हम ऐसे बनाते हैं। देखो ये इसके लिए, ये एक ऑर्बिटल के लिए, दूसरे ऑर्बिटल के लिए, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था इस टाइप के अगर तरीके में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस माइनस होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये होता है। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये प्लस साइन है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, देखो दोनों का फेज क्या है, अलग अलग है। अब दोनों का फेज अलग होगा तो इसका जो फेजर डायग्राम निकलेगा वो कुछ ऐसा निकलेगा, आपका दोनों का फेजर डायग्राम कम निकलेगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से अगर मैं बोलना चाहूं कि इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसी को और एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बोल सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको किससे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। किससे बनेगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका किससे बनेगा बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। ठीक है, तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब मैं ऑर्बिटल पिक्चर बना के बताता हूं आपको क्या होगा एक्चुअली में। देखो ये न्यूक्लियाई, ये आपका एक 1s का ऑर्बिटल मान लिया, एज्यूम कर रहे हैं बच्चों हम अभी, ये आपका एक और 1s का ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है, C
सी ए साई ए ऑर्बिटल, ठीक है, वन एस का है, इसको मैंने बोल दिया सी बी साई बी ऑर्बिटल, ये भी वन एस का है, ये न्यूक्लियाई है। अब इससे क्या बनेगा, दो न्यूक्लियाई वाले पॉइंट मिलेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, तो क्या होगा, ये आपस में पास नहीं जाएंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ हो जाएगी और कुछ आपके इस तरफ चली जाएगी, कुछ इस तरफ चली जाएगी और कुछ इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से हो जाएगी और बीच में क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितने नोडल प्लेन होंगे, ठीक है, तो कितने नोडल प्लेन होंगे, इस प्लेन और इस पर और इस पर, तीन जगह आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, बात क्लियर है। अब देखो यहां पर आपके अनस्टेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये वाला न्यूक्लिया ये वाले न्यूक्लिया आपस में ज्यादा रिपल करेंगे क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन कम है, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन पे पावर लगाते हैं, लेकिन अभी एक दूसरे के जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये एक दूसरे पे ज्यादा न्यूक्लिया आपस में रिपल्सिव फोर्स करेंगे क्योंकि न्यूक्लिया में पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को ज्यादा रिपल करेंगे, जब ये एक दूसरे को ज्यादा रिपल करेंगे तो यहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, यहां पर आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब स्टेबली अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो इस तरीके से हमने यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझा, ठीक है। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों हुआ, यहां पर आपका कम इलेक्ट्रॉन क्यों हो गए। अब देखो ध्यान से समझना, पहले मैंने एक भी लाइन है ना टच नहीं किया है, दोनों लाइनें मैंने कभी भी टच नहीं किया है एक्सिस के, जहां पर टच हो गया मतलब क्या हुआ, देखो पहले कभी भी आपकी वैल्यू कम हुई होगी, जहां पर भी टच नहीं किया है एक्सिस के, यहां पर भी टच नहीं किया एक्स एक्सिस के, लेकिन यहां टच हो गया है ना, तो मतलब वैल्यू पहले से कुछ कम हो आपकी हुई होगी। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं, प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बच्चों, समझना, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, देखो प्रोबेबिलिटी इसका मुझे अगर मुझे साई ए ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो मैंने अगर इसका स्क्वायर कर दिया साई ए स्क्वायर, ये तो आपके कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मैंने साई बी स्क्वायर कर दिया और यहां पर क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी का, ये आपका किसका बना है साई ए प्लस साई बी का, ये आपका किसका बना है डायग्राम साई ए प्लस साई बी का। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना होता किस निकालूंगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर साई ए माइनस, सॉरी यहां पर माइनस हुआ है ना, माइनस साइन हुआ है ना, उल्टा था ना, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस किया है, ठीक है, दोनों को मैंने एड किया है, लेकिन यहां पर साई ए माइनस साई बी का। अब अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी, ऐसा कुछ हुआ था आपका, दोनों को मैंने मतलब जोड़ा ही है, लेकिन ये नेगेटिव का था, ये आपका पॉजिटिव का था, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया साई ए साई स्क्वायर, जो आपका होना था वो तो हो गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जुड़ा तो है दोनों, लेकिन यहां पर टू साई ए साई बी से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब जो एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर था वो कम होकर सीधा कहां आ गया एक्सिस पे आ गया। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मीन साई स्क्वायर विल बी व्हाट जीरो, इस चीज को थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर साई ए साई बी, अगर मैं ए और बी को, ए मैंने ए और बी 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 को दोनों को सिमिलर कर दिया, देखो सब में आपके डबल पावर है, यहां पर भी टू यहां पर भी टू यहां पर वन 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 क्या जो है टू, मतलब साई स्क्वायर की ही बात चल रही, तो साई स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखा। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पर, आप यहां पर एक चीज बोल सकते हो सिंपली कि अगर यहां पर देखो, अब मैं आपको बताता हूं फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक लिखवाऊंगा इसके, तो देखते हो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताता हूं, यहां पर काफी इजी है,
नेक्स्ट पॉइंट, इफ इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रॉन इन साई सॉरी इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ देन अनस्टेबिलिटी इज इंक्रीज। ठीक है, अब इफ इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ इन बीएमओ सॉरी बीएमओ देन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज देन स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, आपके यहां पर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और यहां पर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, तो क्या बोलेंगे, इट फेवर्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आपके बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड बनाने की को ये फेवर करता है, और एंटी बॉन्डिंग की क्या करता है, इट डजंट फेवर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के फिनोमेना को फेवर नहीं करता। दो अंतर आप लोगों को समझ में आ गए, काफी इजी है। एबीएमओ आपके फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता है, लेकिन बीएमओ आपके फॉर्मेशन को फेवर करता है। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और कब होगा। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि एस ऑर्बिटल के लिए तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अब इसमें यहां पर स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे हम एक करके समझते हैं कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले यहां पर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक एक और लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, मतलब नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ये ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, सेवंथ लिख सकते हो, वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल लाइक एटम, मतलब एटम की तरह हम मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका ये हमको सिखा देता है। ठीक है, ये काफी इजी था। अब यहां पर हमको सिलेबस में दो ही है, एक तो एस ऑर्बिटल का, एक पी ऑर्बिटल का, तो देखते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर देखते हैं एमओटी इंक्लूडिंग विद एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के साथ एमओटी किस तरीके से इंक्लूड होगा वो मैं बता देता हूं। देखो, एस ऑर्बिटल मतलब दो एस के ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर पहला एग्जांपल हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझ लेंगे। ठीक है, यहां पर दो एस का ऑर्बिटल आपस में मिलेगा। ठीक है, दो एस का ऑर्बिटल है, ये एक एच का है, ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ये एक एस का है, ये दूसरे एच का है, तो ये एक एच बना दिया, ये दूसरा एच बना दिया। ठीक है, ये पहले एस का 1s ऑर्बिटल और ये आपका 1s ऑर्बिटल। अब समझना, मैंने ओवरलैप कराना सिखाया था। देखो, 1s मतलब s ऑर्बिटल का अगर मैं abmo बनाना चाहूं तो सबसे पहले मैं bmo बनाना चाहूं तो वो मेरा कैसा बना था, वो मैंने ऐसे बनाया था आपका bmo ओवरलैप करा के, और मैं अगर abmo बनाना चाहूं तो वो कैसा बना था बच्चों, वो आपका कुछ ऐसा बना था abmo। ठीक है, abmo इस तरीके से बना था। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल बच्चों, s ऑर्बिटल, दिस इज फॉर व्हाट, s ऑर्बिटल के लिए मैंने ऐसा बनाया था। ठीक है, अभी मैंने ओवरलैप करा के बताया था s ऑर्बिटल का। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, abmo की। अब abmo की एनर्जी ज्यादा है तो वो कहां बनेगा,
इस तरीके से एबीएमओ आपका ऊपर बन जाएगा, ये आपका एबीएमओ, ठीक है, और ये आपका क्या होगा बीएमओ। अब ध्यान से समझना, बी यहां पर जो दो एस ऑर्बिटल बनेंगे तो हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा, यहां पर भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए मैंने हमेशा डिफाइन किया कि सिग्मा बनता है। पाई कब बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पाई कब बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्या बनेगा सिग्मा बनेगा, बात क्लियर है। तो यहां पर आपका एक सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा किसका, वन एस का, और यहां पर भी सिग्मा बनेगा वन एस का, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग को हमेशा स्टार करके दे दिखाएंगे, बात क्लियर है। अब समझते हैं हम, अब अगर मैं बोलना चाहूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं इसी में एक और पॉइंट, यहां पर समझ लेना, पॉइंट नंबर सेवन, सॉरी पॉइंट नंबर एट। पॉइंट नंबर एट क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, नो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉलोज फॉलोज द रूल रूल लाइक लाइक एटम एटम एज एग्जाम्पल, कौन कौन से, ऑफ बोर रूल, ऑफ बोर रूल, ठीक है, ऑफ बोर रूल को फॉलो करते हैं, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एक तो आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन, ठीक है, आप पाउली रूल या फिर सिंपल बोल दूं मैं यहां पर हुंडस रूल, हुंडस रूल तीनों को फॉलो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए, ये तीनों रूल को फॉलो करता है, यहां पर लिख देता हूं हंस रूल, ठीक है, हंस रूल तीनों को फॉलो करता है, ठीक है, ये आपका तरीका है। तो यहां पर भी आप लगाएंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी है, आपको क्या बोलता है कि लोअर एनर्जी में आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, तो मैंने यहां इलेक्ट्रॉन को भर दिया, यहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को भरूंगा, तो मैंने यहां दो इलेक्ट्रॉन को भर दिए, बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसी तरीके से मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेकंड में लेता हूं बच्चों, यहां पर H2+, सेकंड में लेता हूं H2+, H2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, H2 में दो इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, बचा कितना एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आपके दो, यहां पर एनर्जी बनेगा इस तरीके से, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए मैंने एबीएमओ को ऊपर लिखा रहा, मैंने क्या बोला एबीएमओ में एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस वजह से इसकी ज्यादा एनर्जी होगी, इसीलिए तो ये आपका अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा ना, तो ये है। अब H2+ है तो समझना, H2+ में क्या होगा, ये आपके दो 1s ऑर्बिटल, ये आपके यहां पर मैंने क्या बना दिए दो 1s ऑर्बिटल, और यहां पर मैंने इस तरीके से एबीएमओ बीएमओ बना दिया, ठीक है। अब देखो ये एक हाइड्रोजन का है, ये भी एक हाइड्रोजन का, ये आपका 1s है, ये भी आपका 1s है, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब दोनों को मिला के टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एक में मैं एक इलेक्ट्रॉन मान लूंगा, तो यहां पर बीएमओ में कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी है, ठीक है। इसमें है क्या वो मैं अब आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और थर्ड अगर मैं बोलना चाहूं कि मैंने H2- का बना दिया, H2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, थ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी, तो ये आपका 1s 1s, ये एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का H2 है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन के एक बाहर से आया है, ठीक है, इस तरीके से उसने डिफाइन किया था, कुछ इस तरीके से उसने यहां पर डिफाइन किया क्या था ऑर्बिटल्स को, थोड़ा इस चीज को समझना, और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन 100% नहीं आना है, केमिकल बॉन्डिंग में से कहीं से नहीं आएगा, तो यहां से जरूर आएगा, यहां से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए, एटो आप ध्यान से समझना, केमिकल बॉन्डिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आए लेकिन यहां से तो जरूर आएगा, ये बात मान के चलो, ये बात मान के चलो। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका 100% जेई के लिए 100% आएगा, जेई में 100% आएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके जेई में 100% आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर
एक दो एक, बात क्लियर है? तीन बना दिए मैंने, एक में दो होगा एक में एक होगा, ऐसा मान लिया। अब इसमें भर देते एक दो एक। अब यहां पर आप समझ सकते हो कि एबीएमओ में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर बीएमओ में, ठीक है, बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा वन एस टू, और इसका क्या लिखेंगे, सॉरी सिग्मा वन एस ऑर्बिटल, और यहां पर सिग्मा स्टार वन एस, इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार वन एस, और इसका क्या होगा, सिग्मा वन एस, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं बच्चों, अगर मैं H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो नीचे से लिखेंगे ना सबसे पहले, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से इसका लिखो H2 प्लस का, कैसे लिखेंगे, सिग्मा वन एस वन सिग्मा स्टार वन एस जीरो, इस तरीके से लिखा, नीचे से लिखते जाओ ऐसे इस तरीके से। इसका मुझे लिखना है तो H2 माइनस का कैसे लिखूंगा बच्चों, सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस वन, ये मैंने लिख दिया तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखना आ गया, ठीक है, मॉलिक्यूल का। अब हम समझते हैं एक एक करके ध्यान से कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा उसको भी हम अच्छे से समझते हैं। यहां पर एक्चुअली में आपका क्या होगा वो मैं अच्छे से आपको बताता हूं। देखो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब मैं इन तीनों में ही कॉलम बना के मैं आपको बताता हूं। देखो ये मैं आपको सिंपली, ये एस ऑर्बिटल का इंक्लूडेड है तो मैं इसके लिए ही आपको ऊपर बताऊंगा, ठीक है, देख लेंगे बच्चों, काफी इजी है। देखो बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है इन सब टाइप में, इस टाइप के जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो इसमें बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, और एबीएमओ में कितने, जीरो है डिवाइडेड बाई टू। देख सकते हो स्टार में आपके जीरो है वैसे आपके दो है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितना आ गया, एक। अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं तो इसके लिए कितना होगा, देख सकते हो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो बच्चों, इसका कितना आ जाएगा, इसमें एक है और एबीएमओ में आपका जीरो है डिवाइडेड बाई टू, टोटल कितना हो गया, वन बाई टू। इसके लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखो बच्चों, यहां पर आपके दो है और एबीएमओ में आपका एक है इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टू, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये है आपका, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसके यहां पर भी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। बात समझ में आई। अब समझना, यहां पर जिसका बॉन्ड ऑर्डर वन होता है मतलब ज्यादा होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है, हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा। बॉन्ड ऑर्डर वाला मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, ठीक है। तो समझते हैं बच्चों, यहां पर काफी इजी है। अगर मैंने बोला कि यहां पर ये मैंने H2 के लिए बनाया था, ये मैंने H2 के लिए बनाया था, ये मैंने H2 प्लस के लिए बनाया था, ये मैंने H2 माइनस के लिए, ठीक है, ऐसे बनाया था। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर यहां पर ज्यादा है तो क्या, समझना ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब कितने बॉन्ड है। आपने हाफ बॉन्ड कभी देखा है, नहीं देखा ना, एक बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक तो बोल सकते हैं। तो हम यहां से क्या समझ सकते हैं बच्चों कि H2 मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू व्हाट, H+ एंड H2 माइनस। यहां पर मॉलिक्यूल की बात करें ना कि हम एटम की, एटम की बात करें तो एच एच लिखते, एटम की बात करें तो एच एच लिखते, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब आपके कंफ्यूजन आ गया कि हाउ कैन आई फाइंड द स्टेबिलिटी इन बिटवीन H2+ एंड H2-, हाउ कैन आई फाइंड। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एबीएमओ में, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार वन एस टू स्टार सिग्मा स्टार वन एस जीरो, इसका क्या होगा, सिग्मा वन एस वन सिग्मा स्टार
वन एस जीरो, इसका क्या आएगा, सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस वन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, बात समझना। यहां पर एंटी बॉन्डिंग में जीरो है, इन एच टू प्लस मॉलिक्यूल, एच टू प्लस मॉलिक्यूल जीरो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एबीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इन एच टू माइनस बीएमओ ऑर्बिटल, ठीक है। आप देख सकते हो कि एच टू प्लस में तो जीरो है लेकिन एच टू माइनस में एक इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ सॉरी एबीएमओ में एच टू माइनस में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आपका कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा, एच टू माइनस, तो हैंस हैंस द ऑर्डर विल बी हैंस द ऑर्डर विल बी हैंस द ऑर्डर विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, एच टू देन आपका क्या आ जाएगा एच टू प्लस, देन आपका क्या आ जाएगा एच टू माइनस। वैसे इनकी बेटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है लेकिन आप फिर भी एच टू प्लस की ज्यादा लेना, ठीक है बच्चों, काफी इजी है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को डील करना है, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है, कोई बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहां तक तो काफी इजीली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इन क्वेश्चनों को डील कर रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दिया, ये तो मैंने यहां पर किसके बारे में बता दिया बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दिया और इसके बारे में बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो था। अब इसी तरीके से हम बात करते कुछ अदर मॉलिक्यूल की, जैसे फोर्थ एलाइड टू, इसके लिए बात करते, फिर हम किसके लिए बात करेंगे, फिफ्थ बीई टू, इसके लिए बात करते, ठीक है, इन दोनों के लिए बात करते, और फिफ्थ सिक्स्थ एचई टू, इसके लिए भी बात करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि करके एलआई टू में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, आप समझ रहे होंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन कैसे, एक होगा वन एस ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एक होगा वन एस ऑर्बिटल, एक होगा आपका टू एस ऑर्बिटल, इसी तरीके से यहां पर टू एस और वन एस, देखो बच्चों एस ऑर्बिटल की बात करेंगे तो सारे एस का सिमिलर ही बनेगा, तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से मैंने बना दिया, आप समझ सकते हो डायग्राम आ इजीली, ठीक है। ये मैंने बना दिया, अब देखो ये एक लिथियम का है, ये एक लिथियम का है और ये दूसरे लिथियम का, एक लिथियम के वन एस में तीन दो इलेक्ट्रॉन और टू एस में एक, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें एक, अब देखो ये आपका नीचे वाला कौन सा है बीएमओ, ऊपर वाला क्या है एबीएमओ, ठीक है, ये वन एस के साथ बना है तो सिग्मा वन एस और ये क्या होगा सिग्मा स्टार वन एस, ये क्या होगा टू एस के साथ बना है तो टू एस, एस के साथ हमेशा सिग्मा बनता है तो सिग्मा टू एस और यहाँ पर सिग्मा स्टार टू एस, मैंने कहा बताया था ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में, ओवरलैपिंग में हमेशा बताया था ना एस के साथ हमेशा सिग्मा ही बनेगा, कभी आपका पाई नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन तो चार इलेक्ट्रॉन भरो हाफ बोर रूल के हिसाब से, वन टू थ्री फोर, इसके बाद यहाँ पर कितने दो इलेक्ट्रॉन है वन टू, अब आप समझ सकते हो कि इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसा लिखोगे बच्चों, जल्दी बोलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखोगे, सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू, इसका कैसे लिखोगे सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस जीरो, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका, ठीक है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग है और ये भी आपका ऊपर वाला एबीएमओ है, ठीक है। अब निकालो
बॉन्डिंग में कितने, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन है, और एबीएमओ में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर, वन। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया, इसका मतलब एलआई टू प्लस, एलआई टू इज स्टेबल, एलआई टू इज स्टेबल। अब ध्यान से समझना, एक चीज मैं बता देता हूं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा होता है और इंटीजर होता है, एंड इंटीजर होता है वो आपका स्टेबल होता है। इंटीजर होता है मतलब कैसे, वन टू थ्री फोर, वो आपका हमेशा क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। तो एलआई टू इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी, बट जनरलाइज इट नॉट स्टेबल। एलआई टू इज एग्जिस्ट इन अ, एलआई टू इन एग्जिस्ट एज एलआई एन फॉर्म, वो आपके एलआई एन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि एलआई टू इज स्टेबल, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी, लेकिन एलआई टू इन एग्जिस्ट एज एलआई, वो एलआई एन फॉर्म में, ठीक है, ये ऐसे अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं कि एलआई टू इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। तो इस तरीके से हम यहां पर बना सकते हैं। सिमिलरली ये आपका बी टू वाला आपका होमवर्क है, बी टू वाला आपका क्या बच्चों, होमवर्क है, ये आपको करना है खुद से, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब समझते हैं यहां पर HE2 को हम समझते हैं। तो HE2 वाला आप बना सकते हो। तो मैं सिक्स में क्वेश्चन लिखता हूं, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ HE2। देखो आप, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ HE2, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक सिंपल एक थियरी बताता हूं, इसी से रिलेटेड समझना। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो नॉट एग्जिस्ट, आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको जीरो से ज्यादा होगा लेकिन इंटीजर वैल्यू होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एमओटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो से कम होगा, ऐसा कभी नहीं होता, इसका मतलब आप क्या हो, गलत हो, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो, ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझ लेना, ठीक है। फ्रैक्शनल आता है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी, किस वजह से आएगी बच्चों, आप लोगों को बताया था रेजोनेंस वाले में फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, बस थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। रेजोनेंस में निकाला था ना CO32 माइनस का 4/3, वही आ गया, ठीक है। अब समझ लेंगे कि फ्रैक्शनल होगा इसका मतलब क्या होगा, ये भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब इसके अंदर आपका पार्शियल बॉन्ड होगा, इसका मतलब इसके अंदर आपका क्या होगा बच्चों, पार्शियल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ HE2। अगर मैं जनरली ड्रॉ द एमओटी ऑफ HE2 मॉलिक्यूल का अगर मैं एमओटी ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, HE2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और HE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक HE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। एक सिंगल आइसोलेटेड HE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल। अब इस तरीके से ये आपका बना होगा कुछ, और ऊपर जाएंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी बच्चों, एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखो, ठीक है, अब बात समझते हैं कि एक एची के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो यहां पर एची कितने, 2 एची है, यहां पर कितने एची है, 2 एची है, बात क्लियर है। तो यहां पर 2 एची है, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ये होगा एबीएमओ, ये होगा एबीएमओ, ठीक है, एबीएमओ, ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s2, और ये हो जाएगा सिग्मा 1s2। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो बच्चों, कितना होगा, बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, एबीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, टोटल कितना आ गया, 0। मतलब 0 होगा तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, HE2 आपका वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, समझना ध्यान से समझना, इसी के नीचे इसी में मैं बनाता हूं। इसके एग्जिस्टेंस को समझने के लिए अगर मैं बोलना चाहूं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं
मतलब रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रख दूं, ज्यादा रख दूं मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, अगर मैं रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कर दूं तो यहाँ पर आपका 2s, 2s और मेटल बनेगा, इसी के बाद 1s के बाद आपका 2s आएगा, ठीक है, इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे ही क्या होगा कि इस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। मतलब आपने बोर मॉडल में पढ़ा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी स्टेट में, उसको मैंने एनर्जी दी तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, इसी तरीके से इसको मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी एज अ टेम्परेचर के फॉर्म में, तो इसने एनर्जी को ऑब्टेन करके एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप मार जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप मार गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर देने पर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप मार गया। अब अगर मैं इस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने, एक दो तीन, तीन है, और यहां पर कितना है एबीएमओ में, एक डिवाइडेड बाय टू, मतलब कितना आ गया आंसर, वन आ गया आंसर। जब आपका वन आ गया तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया, बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया मतलब जीरो से ज्यादा इंटीजर वैल्यू, मतलब स्टेबल है, तो यहां पर इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के एक लॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को समझो, ठीक है बच्चों। काफी इजी है, अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों के साथ डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट समझते बच्चों, अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहां पर एमओटी इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में हम एमओटी को किस तरीके से देखेंगे, काफी इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पी ऑर्बिटल में हम एमओटी को किस तरीके से देखेंगे वो आपका काफी इजी है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में बच्चों ध्यान से समझना, डाई एटॉमिक टाइप का है। आप लोगों के सिलेबस में किस टाइप का बच्चों, डाई एटॉमिक टाइप का है, आपका ट्राई एटॉमिक नहीं है, टेट्रा एटॉमिक नहीं है, आपके सिलेबस में केवल और केवल डाई एटॉमिक है, इसलिए मैंने हमेशा डाई एटॉमिक ही लिया है अभी तक, ठीक है। नाउ अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सेवंथ बी टू, बी टू का देख लेते हैं। अब बी टू में क्या होगा, बी टू का काफी अच्छा कंसेप्ट आएगा। बी टू का अगर मैं जनरली आइसोलेटेड बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहता तो 1s2, 2s2, 2p1, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल आ गया, पी ऑर्बिटल। तो क्या बोलेंगे, एमओटी, एमओटी विद 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल के साथ एमओटी। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले हम गलती करेंगे उसके बाद हम सही सीखेंगे। अगर पहले ही मैंने सही बता दिया तो आपको गलती करोगे उस गलती वाला क्वेश्चन आपको समझ में कभी नहीं आएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फिर समझते पहले गलती करना सीखते, देखो एमओटी विद 2p। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल बनाना चाहूं तो यहां पर पी ऑर्बिटल ऐसे तीन ऑर्बिटल होंगे, पी में आपके तीन ऑर्बिटल होंगे ऐसे आप जानते हो, तो मैं पी के तीन ऑर्बिटल बना देता हूं, ठीक है, पी के मैं तीन ऑर्बिटल बना देता हूं। अब आप समझ सकते हो यहां पर ये मैंने बना दिया एक ऑर्बिटल, ठीक है, यहां पर मैं एक और ऑर्बिटल बना देता हूं, ठीक है, एक और ऑर्बिटल ये वाला होगा, एक और ऑर्बिटल आपका ये वाला होगा, ठीक है। अब आप समझो कि अगर मैंने यहां पर एक और बनाता हूं ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं एक और बना देता हूं यहां पर ऐसा ही कुछ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ी होगी, मैंने क्यों पढ़ाई थी, अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ओवरलैपिंग में इतना क्यों टाइम निकाला था, आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों किया था, आप लोगों का टाइम वेस्ट क्यों किया था, क्योंकि वो तो सिलेबस में उतने क्वेश्चन आते भी नहीं है, उससे उससे एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, क्यों मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, वो आपको समझ में अब आ जाएगा अच्छे से। इसमें हम डी में डेल्टा बॉन्ड भी मैं आपको बता सकता हूं इसमें किस तरीके से बनेगा, उसका भी काम आता है।
ये मैंने बना दिया। अब आप देखो कि अगर मैंने यहां पर एक B2 का, एक बोरोन एटम का 2p ऑर्बिटल और ये दूसरे बोरोन एटम का 2p ऑर्बिटल लिया, ठीक है, इजी, समझ में आया होगा, काफी इजी है, कंसेप्चुअल है, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस आपका बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अब समझो, अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इफ इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज अ जेड एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज आल्सो अ जेड एक्सिस। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस ले लिया तो पीएक्स पीएक्स आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, समझो ना। ये देखो, अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन गया तो सेकेंडरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो यहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, तो यहां पर पी वाई आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और पी जेड भी आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो हम समझ सकते हैं यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी रख सकते हो, अगर आपने पी वाई मान के किया तो पी वाई सिग्मा बनाएगा और पी एक्स पी जेड आपका पाई बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन सा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग के साथ बनेगा, ये चीज तो आपको मैंने ओवरलैपिंग में सिखाई थी, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी आ रहा होगा, ठीक है, काफी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, मतलब दो ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेंगे तो आपके क्या बनाएंगे बच्चों, आपके क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेंगे तो आपका एबीएमओ बनाएगा और बीएमओ बनाएगा। मैंने आपको बताया था ना ऐसा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिलेंगे तो आपके दो बनाने की पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस मैंने बताया था लीनियर फंक्शन, एक आपका एबीएमओ बनाएगा और एक आपका बीएमओ बना देगा। एबीएमओ को हम स्टार लिख के डिनोट करते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम और भी समझते हैं इसमें, और भी बढ़िया कंसेप्ट, काफी सुंदर कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, काफी सुंदर, ठीक है, जिससे आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एबीएमओ, अब समझ लो कि एबीएमओ देखो, अब अगर मैंने पीएक्स पीएक्स को मिलाया, किसको मिलाया, पीएक्स पीएक्स, अब देखो पीएक्स पीएक्स का मैंने खरा है यहां पर समझना, ओवरलैपिंग, देखो ये मैंने पीएक्स बनाया एक, ये मैंने दूसरा पीएक्स बना दिया, ये मैंने दूसरा पीएक्स बना दिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा पीएक्स बना दिया, ये मैंने दूसरा पीएक्स, ये पीएक्स, ये पीएक्स, ठीक है, पीएक्स पीएक्स को मिला रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मुझे फेस क्या रखना है, सिमिलर, मुझे फेस क्या रखना है बच्चों, सिमिलर, ठीक है, मुझे बीएमओ बनाना है, बीएमओ बनाना है तो मतलब दोनों का फेस क्या रखना है, सिमिलर रखना है, मतलब यहां पर पॉजिटिव वाला ये माइनस, यहां पर पॉजिटिव वाला ये माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा इसका मतलब सिमिलर है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा इसका मतलब सिमिलर फेज है, सिमिलर फेज वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ करेगा तो कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ करेगा तो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ऐसा बनाया, तो इससे जो आपका बनेगा, जो जो ऑर्बिटल बनेगा इससे, वो कैसा होगा बच्चों, दोनों एक, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, यहां पर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि सिमिलर फेज है तो बीएमओ बनेगा, बीएमओ बनेगा तो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियाई वाला पॉइंट, यहां से ये वाला न्यूक्लियाई, यहां से ये वाला न्यूक्लियाई, देखो ये मैंने दो न्यूक्लियाई बना दिया। अब ये जब ओवरलैप करेंगे तो बीच में इस टाइप का बना लेंगे, ठीक है, और बाहर वाले लोब आपके इस तरीके से हो जाएंगे चॉकलेट की तरह, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहां पर बीएमओ, ठीक है। इसी का एक और पार्ट निकलेगा, मतलब पीएक्स पीएक्स जब ओवरलैप करेगा तो दो करेगा ना, एक पीएक्स पीएक्स बीएमओ टाइप में करेगा, एक पीएक्स पीएक्स आपका एबीएमओ टाइप में करेगा, ठीक है। अब एबीएमओ टाइप के समझते हैं, अब एबीएमओ टाइप में क्या होगा, ये मैंने बनाया पीएक्स, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये मैंने बनाया यहां पर पीएक्स, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अब देख सकते हो आप लोग, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज अलग अलग है,
फेज अलग अलग है ना बच्चों, मैंने ऐसा बताया था ना आपको, अगर ऐसा फेज होगा और ऐसा फेज वाला अगर ऐसे फेज वाले के साथ ही ऐड होगा तो आपका सिमिलर फेज वाले के साथ ऐड होगा तो बी है वो, अगर डिसिमिलर फेज वाले के साथ अगर ऐड होगा इस तरीके से तो वो क्या होगा, ए बी है वो। तो यहाँ पर फेज क्या है, सिमिलर नहीं है, ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस प्लस होने की वजह से। अब इसका अगर मैं बनाना चाहूंगा तो इसकी वजह से यहाँ न्यूक्लिया, इसकी वजह से ये वाला न्यूक्लिया यहाँ, ये क्या करेगा, रिपल करेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन। समझ में आया? तो ये तो मैंने पीएक्स पीएक्स मैंने हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला बता दिया, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला बता दिया मैंने यहाँ पर, पीएक्स पीएक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स माना था इसलिए मैंने पीएक्स को ही है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग समझ के बता दिया। अगर पी वाई आप या आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस माना होता तो पी वाई को ही आप क्या मानते, पी वाई को का भी आप ऐसे बना सकते थे, ठीक है, फिर आपका पीएक्स और पीजेड ऑर्बिटल पाई में चला जाता, ठीक है, ये तो था आपका इसके लिए। अगर मैंने पीएक्स देखो, मैं अगर पी वाई की डिस्कस करूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पीजेड पीजेड का भी कैसे निकालना है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाएगा, दो ऑर्बिटल आपके क्या बनाएंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। तो यहां पर मैं बात करता हूं, देखो मैंने पीएक्स पीएक्स के बारे में डिस्कस कर दिया, पीएक्स पीएक्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया अभी अभी। अब एक और बनता है कि यहाँ पर पी वाई बोलो या पीजेड पीजेड बोलो, पी वाई बोलो या पीजेड पीजेड बोलो, बात एक ही, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसके लिए भी क्या बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक मैंने लिया यहाँ पर पी वाई पी एक्स के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर आई एन ए के एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा पी वाई, और यहां पर भी आई एन ए के परपेंडिकुलर होगा पी वाई, ये चीज आप समझ रहे होंगे, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिमिलर फेज वाले को ऐड करते हैं, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस। अब जब ये ऐड होगा तो यहां पर दो न्यूक्लियाई बना दिया, अब ये न्यूक्लियाई इसके साथ ओवरलैप करेगा तो किस तरीके से करेगा, यू जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो ये ऊपर कुछ ऐसा बना देगा और यहां पर ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ये आपका क्या बनेगा, पीएक्स पीएक्स के लिए, पी वाई के लिए, कब, जब बी एम मतलब सिमिलर फेज वाले को मैंने एक साथ मिलाया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं डिसिमिलर फेज वाले को एक साथ मिलाऊंगा तब तो क्या होगा, ए बी एमओ की बात करूंगा, तो यहां माइनस और यहां प्लस, देखो डिसिमिलर फेज वाला हो गया और ये ए बी एमओ हो गया। अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब क्या होगा बच्चों, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहां पर दूसरा निकले ये कुछ ऐसा बन जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पे दूर जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका बनेगा, ये आपका माइनस वाला पार्ट, ये आपका प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला पार्ट, ये वाला माइनस वाला, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा एबीएमओ में। तो यहां पर भी मतलब एक एबीएमओ बनेगा इन दोनों को ओवरलैपिंग से, एक बीएमओ बनेगा, ये मैंने पाइप और ये वाले दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, जैसा मैंने ओवरलैपिंग में बताया था, और ये वाले सिग्मा बनाएंगे, सॉरी ये वाले आपके सिग्मा बनाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं बोरोन के लिए, बोरोन के लिए देखते हैं बच्चों, बोरोन में भी अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई है बच्चों, अभी काफी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर एनर्जी हो जाएगा। जब ये आपका यहां पर एनर्जी हो गया तो अब देखो बोरोन के लिए क्या होगा, देखो ये आपका 1s, ये आपका 2s, थोड़ा नीचे बना देता हूं, थोड़ा सा नीचे से लिख देता हूं, 1s ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये आपका क्या हो जाएगा 2p, 2p में तीन तीन है ना, तो एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से देखो बना दिया मैंने, ऊपर जा रहे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, अब समझना।
ठीक है, ये मैंने यहां पर, अब देखो ध्यान से कि मैं पहले क्या कर रहा हूं फिर मैं क्या करूंगा, उसको समझना ध्यान से। यहां पर दो होंगे, दो पाई वाले, यहां पर दो पाई वाले होंगे और यहां पर एक पाई वाले होंगे। पहले पहले उसको समझना मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ये एक बोरोन, ये दूसरा बोरोन, ये 1s, ये 1s, ये 2s, ये 2s, ये 2p, ये 2p। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये क्या होगा सिग्मा 1s, ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, ये क्या होगा सिग्मा 2s, ये होगा सिग्मा स्टार 2s, ये क्या होगा बच्चों? देखो देखो, अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अगर पीएक्स पीएक्स का अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स होगा तो एक बॉन्ड क्या बनेगा पीएक्स, इन दोनों के ऑर्बिटल से एक बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बनेगा, और जो सॉरी एक बॉन्ड क्या बनेगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो अलग से एक ऑर्बिटल होगा। तो यहां पर क्या होगा सिग्मा 2p। अब मैंने एक्स को मारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो मैं यहां पर एक्स लिखूंगा और ये क्या होगा पाई पाई 2p y पाई 2p z। ठीक है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p y पाई स्टार 2p z। अब क्या होगा सिग्मा स्टार 2p y 2p x। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। ठीक है, अब बोरोन में मैं भरता हूं, बोरोन में मैं भरता हूं, 1s में कितने दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन, यहां पर दोनों में भी दो, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो भरो, चार इलेक्ट्रॉन यहां पर दोनों साइड है तो चार इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। सबसे पहले भरता गया मैं, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसा है। ठीक है, अब आपको समझना है कि अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं तो कितना आएगा, ए बी एमओ में कितने, बी एमओ में ये सारे बी एमओ वाले, ये आपके ए बी एमओ वाले ऊपर वाले ए बी एमओ, ये भी आपका बीएमओ वाला है, स्टार वाला आपका एबीएमओ वाला है, समझ जाना बच्चों आप। ठीक है, ये आपका एबीएमओ। ठीक है, टोटल बीएमओ में कितना है, एक दो तीन चार पांच छह, छह इलेक्ट्रॉन है, और एबीएमओ में कितने, चार इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय टू, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, वन आ जाएगा। ठीक है, बोरोन एक एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है, बोरोन आपके क्या फॉर्म कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, बोरोन का बॉन्ड ऑर्डर एक ही, इसका मतलब स्टेबल है। लेकिन अगर आप समझना दो प्रॉपर्टी, एक चीज दो प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक नेचर, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। ठीक है, पैरा मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक। अब देखो ध्यान से, डाया मैग्नेटिक नेचर, अब पैरा मैग्नेटिक नेचर क्या होता है बच्चों, पैरा मैग्नेटिक नेचर आपका क्या होगा उसको समझना, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा उसको ध्यान से समझना कि पैरामैग्नेटिक नेचर आपका एक्चुअली में होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिक नेचर आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान से, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा पैरामैग्नेटिक, मतलब अट्रैक्ट टुवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट टुवार्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होगा रिपल टुवार्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बस यही आपका काम था, मैंने बोल दिया, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, देखो भरो, देखो ना यहां पर देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बी टू क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। बात अच्छे से, अब इसका क्या होगा सिग्मा 2px2, यहां पर दोनों की एनर्जी सेम है तो यहां पर लिखेंगे पाई 2py और पाई 2pz। अब देखो मैं इसको नहीं लिखूंगा ऊपर वाले को क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड होने की वजह से बिहेवियर ऑफ बोरोन विल बी व्हाट डायमैग्नेटिक, बिहेवियर ऑफ बोरोन विल बी व्हाट डायमैग्नेटिक। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि
कि यहां पर आपको क्या होगा, बिहेवियर ऑफ बोरोन, बिहेवियर ऑफ बोरोन, बिहेवियर ऑफ बोरोन विल बी डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बट ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। बिहेवियर ऑफ बी टू, बी टू लिखो, बोरोन नहीं, बी टू, बिहेवियर ऑफ बी टू इज डायमैग्नेटिक, विल बी डायमैग्नेटिक, ये आपका गलत है। अब बड़ी बात ये आ गई कि ये क्यों गलत है। देखो एक्सपेरिमेंटली वी विल फाइंड दैट, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली वी विल फाइंड दैट, वी विल फाइंड दैट, वी विल फाइंड दैट, एक्सपेरिमेंटली वी विल फाइंड दैट, दिस इज वॉट, पैरामैग्नेटिक। सो एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, सो एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, काफी इजी है, काफी इजी है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, पैरामैग्नेटिक कैसे, क्या हो गया। ठीक है, और जनरली, जनरली समझना, टू एस एंड जनरली एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल इज वेरी लो, 2p ऑर्बिटल इज वेरी लो। इन दोनों में एनर्जी गैप क्या होता है बच्चों, काफी कम होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा ना कि p आपके मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, p p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए p ऑर्बिटल काम में आया होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट, From first, we will see that we have seen that हमने देखा, क्या देखा हमने, कि molecular orbital of 2p is formed only will form only by p orbital, but due to the less energy gap, due to the less energy gap between s and p orbital, s orbital also contribute, s orbital also contribute the formation of p molecular orbital। अब ये तो बात क्या बोल दी सर आपने, समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, क्या हुआ, आप बात को ध्यान से समझना, अब आप लोगों को समझ में अब आ जाएगा। ठीक है, ये तो एनर्जी वाला डायग्राम बना देता हूं, अब मैं आपको इतना समझाता हूं, समझना बात यहां पर क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एक करके ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छा। मैंने 2s और 2p की बात कर रहा हूं, मैं 1s नहीं बनाऊंगा, मैं आपका 1s और मेटल नहीं बनाऊंगा, मैं 2s और 2p की बात करूंगा। देखो ये मैंने 2s बनाया, ठीक है, ये मैंने 2s और मेटल बनाया, यहां पर मैंने 2p बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या बनाया, 2p बनाया। ठीक है, इसको मैं ऐसे वर्क कर देता हूं, यहां पर मैंने 2p बनाया। ठीक है, अब देखो यहां पर 2p ऑर्बिटल बनेगा, यहां पर 2p ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, यहां पर भी 2p ऑर्बिटल बनेगा, यहां पर भी आपका p ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझना ध्यान से, यहां पर भी यह बनेगा, यहां पर भी यह बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब समझना, जो ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p, अब देखो ये 2s ऑर्बिटल ये 2p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, ये तो अपना तो बनाएगा, लेकिन ये इसके भी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा। जब ये इसके ऑर्बिटल को भी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये वाले कौन से, पाई,
पाई इसको लिख दो ऊपर, पाई 2PY था और ये पाई 2PZ था और ये क्या था, सिग्मा 2PX। जब ये इन दोनों के मॉलिकुलर ऑर्बिटल को भी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप है, तो दोनों को बनाने में मतलब काम करेगा। अब जब काम करेगा, दोनों को बनाएगा, तो क्या करेगा, ये 2s ऑर्बिटल इन दोनों की एनर्जी को और लेस कर देगा। सो 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ 2p मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। लेकिन देखो, मान लिया कि सिग्मा का इतना इतना एनर्जी कम हुआ, तो पाई का क्या हो जाएगा, पाई का ज्यादा हो जाएगा, पाई का ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमने क्या बनाया था, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है, फिर सिग्मा बनाया था 2p का, पहले सिग्मा बनाया फिर मैंने पाई बनाया, पहले मैंने सिग्मा बनाया फिर मैंने पाई बनाया। क्या करता है 2s ऑर्बिटल, पाई की एनर्जी को ज्यादा कम कर देता है एज कंपेयर टू सिग्मा, ठीक है। तो फिर अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारा मैं बोरोन का बनाता हूं इसी कंसेप्ट से, क्या होगा हमारा, इसका मतलब सिग्मा ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, सिग्मा ऊपर चला जाएगा पाई नीचे आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि क्या होगा, देखो देखो, सिग्मा ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, तो देख लेते हैं। तो 1s का बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं 2s से लिखता हूं, ठीक है, 2s से लिखता हूं। तो 2s से आप कंपेयर कर लेना बच्चों, आप लोग कंपेयर करना, ठीक है, आप पहले वाले डायग्राम से कंपेयर करना, फ्रॉम 2s स्टार्ट करना, कहां से, 2s से, ठीक है, 2s से कंपेयर करना स्टार्ट करना, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं 1s का भी बना ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कोई ना कोई झिकझिक होगी, तो उसके लिए मैं पहले ही बना देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें बनाने में, ठीक है। ये देखो, ये मैंने 2s का बना दिया, ये मैंने इसका बना दिया, ठीक है, ये मैंने इसका बना दिया। देखो, अब यहां पर नीचे 2π आ जाएगा, फिर यहां पर आपका नीचे 2π आएगा, कहां पाई आएंगे बच्चों, यहां पर नीचे की ओर 2π आएंगे, ऊपर की ओर आपके सिग्मा चला जाएगा। देखो आप, मैंने पहले यहां पर बनेगा सिग्मा 2px और यहां पर पाई 2py और पाई 2pz, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ये आपका 2p, ये आपका 2p, ऊपर वाला आप समझ जाओगे कि कैसे बनाना है, पाई ऊपर बना देना है, यहां पर 2π बना देना है और यहां पर एक सिग्मा बना देना है, ठीक है। ऊपर वाले में एनर्जी गैप का उतना बात नहीं आएगा, नीचे केवल होता है, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, ठीक है, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, यहां एक बोरोन, यहां एक बोरोन, तो यहां पर कितना होगा, एक बोरोन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बोरोन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी पी में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दो 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 दो। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले सिमिलर एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, सब पहले एक एक भरेंगे, फिर उसके बाद उसको पेड करेंगे। अब यहां बताओ, क्या यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो शुरुआत में जब हम बना रहे थे स्ट्रक्चर, वो हम क्या मान रहे थे, 2s, यहां पर हम क्या मान रहे थे, 2s ऑर्बिटल, हमने पहले क्या बना था, 2s ऑर्बिटल ने कंट्रीब्यूट नहीं किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनाने में, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, 2s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल आपका कंट्रीब्यूट करता है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं लिखना चाहूंगा, तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, यहां पर सिग्मा स्टार 1s2, यहां पर सिग्मा 2s2, यहां पर सिग्मा स्टार 2s2, यहां पर क्या जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिखता हूं, फिर मैं आपको एक टर्म बताता हूं कि क्या होगा, क्या होगा, आप समझना, अब समझना ध्यान से,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन B2 का क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई पाई 2p y1 पाई 2p y1 पाई 2p z1। ठीक है, अब इसके बाद आएगा सिग्मा 2px0। तो इस तरीके से बनेगा बच्चों इसका, ठीक है। आपको अब आपको समझ में आया होगा, पहले मैंने सिग्मा पहले बनाया था, पाई बाद में बनाया था, लेकिन अब क्या किया बच्चों, मैंने सिग्मा बाद में बनाया, पाई पहले बनाया, तो यही दिक्कत आती है। तो ये एक्चुअली में कहाँ फॉलो होता है, एक्चुअली में अब मैं इसका सिंपल एनर्जी लेवल बनाता हूँ, अब मैं एनर्जी लेवल ही बनाऊंगा, यही बनाऊंगा, इसको नहीं बनाऊंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। देखो अब देखो, अब क्या होगा कि मैं जेड जेड एटॉमिक नंबर 7 से, अगर मैं 7 या 7 से कम वाले के लिए यूज करूंगा, तो सबसे पहले सिग्मा बनाऊंगा, सिग्मा 1s, उसके बाद क्या बनाऊंगा, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या बनाऊंगा, सिग्मा 2s2, सॉरी 2s2 नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो बनना ही नहीं है, उसके बाद क्या बनाऊंगा, सिग्मा स्टार 2s। देखो उसी तरीके से बना रहा हूं, 1 2 3 4, इसके बाद क्या बनाऊंगा कम के लिए, तो उसके उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, पाई 2p y पाई 2p z, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स और वाई अगर लोगे तो जेड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, सिग्मा सिग्मा 2p x, यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और यहां पर सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा जब एटॉमिक नंबर कितना हो, 7 से कम हो। ठीक है, मतलब आपका जो ये वाला रूल फॉलो होता है वो किसके लिए होता है, एटॉमिक नंबर 7 से कम हो। 7 से कम मतलब एटॉमिक नंबर अगर मान ले 7 या 7 से कम हो, चलो छोड़ो हम एकदम बाउंड्री लेवल की बात करते हैं, जब एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाए, 7 हो जाए, 7 हो जाए, तो 7 एटॉमिक नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे बच्चों, 14 होंगे। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन आपके 2p के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये वाला उल्टा हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, समझ में आया, जैसे ही एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, ये वाला आपका पहले की तरह बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से समझना, ये आपका एनर्जी लेवल, ठीक है, यहां पर भी ये आपका एनर्जी लेवल। अब एटॉमिक नंबर अगर मैंने बात किया 7 या 7 से, 7 से ज्यादा, तो 7 से ज्यादा कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, O2 आ जाएगा आपका, F2 आ जाएगा, ठीक है, और Ne2 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Ne2। अगर मैं 7 से कम बात करूंगा तो N2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ठीक है, हम करेंगे एक दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा, सिग्मा 1s वैसा बनेगा, सिग्मा स्टार 1s वैसा बनेगा, सिग्मा 2s वैसा बनेगा, सिग्मा स्टार 2s वैसा बनेगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले सिग्मा 2px, फिर आपका क्या आ जाएगा, पाई 2py पाई 2pz, फिर आपका क्या आएगा, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, और यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2px। अब आप देखो क्या अंतर आ रहा है, इन चारों को ध्यान से देखो, इन चारों को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा अंतर, क्या अंतर आ रहा है, इसमें दो नीचे है, दो ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर, दो नीचे एक और ऊपर। तो आप एक रूल ही बना सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक, 21 21, मतलब 21 21 के रूल को फॉलो करेगा, 7 से कम होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो ऊपर वाले आगे वाले नंबर को चेंज कर दो, 1 2 2 1 के रूल को फॉलो करेगा, मतलब एक इधर दो इधर, दो इधर एक इधर, मतलब 1 2 2 1, वन वन यहां बनेगा टी के लिए केवल, और केवल पी और बैटल के लिए, केवल और केवल किसके लिए, पी और बैटल के लिए, बस इस चीज को ध्यान रखो, बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया पूरा एक्सप्लेनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं एक एक करके, ऑक्सीजन, एक्चुअली मैं आपको, मैंने सबसे पहले दिन ही बताया था ना, नीड ऑफ एमओटी स्ट्रक्चर, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था नीड ऑफ एमओटी स्ट्रक्चर, एमओटी स्ट्रक्चर का नीड क्यों बना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हम बनाते,
ड्रो द एमओटी ऑफ O2 प्लस एंड O2 माइनस। एक क्वेश्चन कर लेते ताकि उसके बिहाफ पे हम और क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक है। O2 प्लस के लिए अब हम सिंपल एनर्जी लेवल के हिसाब से बनाएंगे, हम पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, हम अब इतना ही ड्रॉ करके बना लेंगे, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए? O2 के लिए, ठीक है। ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? O2 के लिए। और यहां पर मैं किसके लिए बनाऊंगा? O2 प्लस के लिए। और यहां पर मैं किसके लिए बनाऊंगा? यहां पर मैं बनाता हूँ O2 माइनस के लिए, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कि मैं एनर्जी लेवल, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 16, इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर है, ठीक है, 7 से ऊपर है। चलो एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 से ज्यादा होने चाहिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 14 से कम होने चाहिए, बस इस चीज को भी लिख ही लो आप लोग, ठीक है। 14 या 14 से कम तो ये वाला रूल ही अप्लाई होगा, ठीक है, और 14 से ज्यादा होगा तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बात क्लियर है। अब बनाते हैं, देखो एक दो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहां पर क्या आएगा? 16 है तो पहले ही आपका क्या आएगा? सिग्मा 2px2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हम इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरेंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम बाद में ही भरेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर मैंने लिख दिया पाई 2px पाई 2py, और यहां पर मैंने लिख दिया इतने के ही काम पड़ेगी, पाई 2px पाई 2py, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन भरते, कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। अब देखो, अब ये बताओ क्या ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या आता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर एज फर्स्ट मैंने एमओटी के रिक्वायरमेंट में पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर O2 इज अ डायमैग्नेटिक, बट इट इज एक्चुअली व्हाट? पैरामैग्नेटिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया किस तरीके से निकाला? अब हम निकालते इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसका। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बच्चों? एबीएमओ में ये वाला बीएमओ, ये आपका एबीएमओ, ये वाला बीएमओ, ये वाला आपका एबीएमओ, ये दोनों आपके बीएमओ, ये वाले आपके एबीएमओ। तो बीएमओ में काउंट करो, बीएमओ एबीएमओ, बीएमओ एबीएमओ, बीएमओ एबीएमओ, बस ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रास्ते। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बीएमओ में 10 और एबीएमओ में 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 और कितना आ जाएगा? 2। वैसे भी ऑक्सीजन के बीच में आपका दो बॉन्ड बनाते हो, देखो बन गया, सिंपल कंसेप्ट। अब इसके लिए आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर खुद कैलकुलेट करना है और सारी वैल्यू खुद कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आएगा बच्चों आपका 1.5, और इसके लिए कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? इसके लिए आएगा 1.5। दोनों के लिए आपका 1.5 आ जाएगा, ना ना, इसके लिए आपका 2.5 आएगा। अब अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं इन तीनों में स्टेबिलिटी देखना चाहूंगा तो किसका होगा सबसे ज्यादा? O2 प्लस का, उसके बाद O2 का, और उसके बाद O2 माइनस का। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी निकाल लिया, सब निकाल लिया, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको N2 और N2 प्लस का निकाल के देखना है। आपके लिए होमवर्क क्या है बच्चों? आपको N2 और N2 प्लस का निकाल के देखना है, ठीक है। आपको किसका निकाल के देखना है? N2 और N2 प्लस का, ठीक है। देखो यहां पर आपके लिए होमवर्क है कि आपको N2 और N2 प्लस का निकाल के रखना है। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 N2 प्लस और N2 माइनस।
ठीक है, ये मैंने बना दिया। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 14, इसमें कितने 13, इसमें कितने 15। इसके लिए कौन सा लगाओगे, जेड ग्रेटर देन 7 वाला, इसमें कौन सा लगाओगे, इसमें आप लगाओगे जेड लेस देन 7 वाला या इक्वल टू 7 वाला। ठीक है, तो आप इससे निकाल के दे दिखाना मुझे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी तक तो हमने सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल, सिमिलर टाइप के एटम को जोड़ा था, ओ को जोड़ा था, HE को जोड़ा था, NE को जोड़ा था, FF को जोड़ा था, इस टाइप के मॉलिक्यूल को जोड़ा था। और हाँ, एक और होमवर्क, ड्रो द MOT फॉर MOT डायग्राम डायग्राम एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा बच्चों किस तरीके से लिखना है, इसका मैं लिख के बता देता हूँ आपको। O2 का सिग्मा, O2 का कैसे लिखेंगे लिख के बता देता हूँ। सिग्मा स्टार 2 1s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा नीचे लिख दो बच्चों, नीचे चल रहा है सिग्मा 2px2। इसके बाद क्या आएगा, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है तो पाई 2px2 पाई 2px, तो ये हो गया, तो ये आपका जेड होगा, जेड होगा, ये आपका जेड होगा। ठीक है, ये आपका एक्स माना है तो ये आपके जेड होंगे। तो ठीक है, तो ये आपका जेड, और यहां पर क्या जाएगा, फिर आपका क्या जाएगा, पाई स्टार 2p z1, एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर पाई स्टार 2p y1, एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हो जाएगा, इसकी एनर्जी लेवल एक ही, इसलिए मैंने एक साथ ही लिखा, एक ही लाइन में लिखा है ऊपर नीचे। ठीक है, अब आपको MOT ड्रा करना है और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिगरेशन फॉर फॉलोइंग। किस किस के लिए लिखना है बच्चों, C2 के लिए, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम होंगे तो किस तरीके से करना है वो मैंने बताया, और C2 के लिए, और आपको F2 के लिए लिखना है। ठीक है, और मुझे बताना है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, ये आपका होमवर्क है। बोथ आर होमवर्क फॉर योर, ठीक है, होमवर्क दोनों को आपको होमवर्क में करना है। अभी तक तो हमने सिमिलर मॉलिक्यूल को, सिमिलर एटम को जो जोड़ा था, अब हम चलते हैं यहाँ पर हेट्रो एटम के, हेट्रो एटॉमिक के केस में। हेट्रो एटॉमिक के केस में क्या करेंगे, अब समझना, फॉर फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, फॉर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक तो मैंने सिमेट्रिकल तरीके से बनाया था। देखो ऐसा बनाया था ना बच्चों, मैंने सिमेट्रिकल बनाया था ना, मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सारे मैंने सिमेट्रिकल बनाए थे। देखो सिमेट्रिकल बनाए थे एक ही लाइन पे, लेकिन हेट्रो में आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्यों बनेगा, ध्यान से समझना, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्ड होके रहेगा। सिंपल बात है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा होल्ड होके रहेगा। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्ड होके रहेगा तो इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। समझते हैं कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल CO, CO का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो CO में आपको पता लगाना है, सबसे पहले CO में इसमें कितने हैं और इसमें कितने, ऐसे पता लगाओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने जल्दी बताओ, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8, कि कितना होगा 14। तो इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जेड ग्रेटर जेड आपका लेस देन इक्वल टू 14 वाला रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि सीओ के लिए कैसे लिखेंगे, लेस देन 14 वाला। अब यहां पर क्या होगा कि मैं आपको सिंपल बताता हूं कि यहां पर अगर मैंने इसका, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 1s का बनाता हूं, 1s इसका ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन का नीचे जाएगा कार्बन का ऊपर आएगा, इस तरीके से बनेगा आपका इसका 1s। ये आपका क्या बना, सिमेट्रिकल बना, नहीं बना ना, ये आपका सिमेट्रिकल नहीं बना बच्चों, ये आपका यहां पर क्या, ये आपका सिमेट्रिकल बना, नहीं बना। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा मतलब अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो एनर्जी, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसको मैं एनर्जी लेवल यहां से यहां जाता तो एनर्जी बढ़ती है ना, तो इसकी एनर्जी को हमको कम लेवल पे रखना है और कार्बन की एनर्जी को ज्यादा लेवल पे रखना है। फिर से सुनो, ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज्यादा,
इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब एनर्जी कम होगी, तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी को कम किया मैंने, ऑक्सीजन के, ये इसका 1s, ये इसका 1s, इसी तरीके से इसका 2s बना देता हूं, इसी तरीके से इसका 2s बना देता हूं, समझना, इसी तरीके से इसका 2s, 2s के लिए भी क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। और 2p आपका कैसे बनेगा, 2p के लिए तो जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी बना देते हैं, ये आपका एक ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, एक आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आपका 2p4 ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन कार्बन कार्बन, ये आपका 2s, ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये आपका 2p। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो अब कार्बन में s में कितने, 1s में 2, 1s2, 2s2, 2p1, ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, ये भी ऑक्सीजन 2s2, 2p4। अब काउंट करो, देखो जेड इक्वल टू 14 से कम है ना, तो ये एक्चुअली में यहां पर आपका, सॉरी यहां पर आपका 2π बनेगा, ठीक है, 14 या 14 से कम है ना, तो यहां पर आपका ऊपर जाके सिग्मा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आप भरो इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 और ये 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, CO कैसा होता है बच्चों, डायमैग्नेटिक, आप सिंपल बोल सकते हो। अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s2, इसमें क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s2, इसका सिग्मा 2s2, इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s2। अब मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान लेता हूं, आई यूनि क्या माना इसके लिए मैंने एक्स माना, तो यहां पर क्या बनेगा, पाई 2py2, पाई 2py 2pz2, और यहां पर क्या होगा, सिग्मा 2px2। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो सीधा आप लोग, अब आप लोग कोशिश करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, डायरेक्ट ही सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, नीचे लिख रहा हूं बच्चों, पाई 2py2, पाई 2pz2, इन दोनों का सिंगुलर लेवल पे होगा, देन आफ्टर सिग्मा 2px2, ये हो जाएगा आपका किसके लिए, CO के लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर 3 आना चाहिए, देखो 3 बॉन्ड होते हैं ना सीओ के बीच, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बीएमओ में 1, 2, 3, 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, बीएमओ में 8 इलेक्ट्रॉन और एबीएमओ में 8 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो ये भी आपका बीएमओ का पार्ट है, ये दोनों आपका एबीएमओ का, कि कितना हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन आपके एबीएमओ में और 4 इलेक्ट्रॉन आपके बीएमओ, 4 इलेक्ट्रॉन आपके एबीएमओ में और 10 इलेक्ट्रॉन आपके बीएमओ में, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 6 / 2, 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों, 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब दोनों के बीच आपके कितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर आपका एक और होमवर्क है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सी एन माइनस और एनओ प्लस, इन दोनों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखो CN और NO में, CN में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा, N का ज्यादा, तो नीचे जाएगा N, और NO में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल नीचे बनाना है, ठीक है। ये तो था आपका पूरा MOT कॉन्सेप्ट, और MOT कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहां लिख दिए, इससे रिलेटेड, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाएगा, इसी क्वेश्चनों पे आप लोगों को कमांड करना है, ठीक है। कल के भी लेक्चर का इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया और आज का भी लेक्चर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कंप्लीटली आज मजा आया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट बच जाता है, कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप लोग मुझसे 10 बार कॉल करके पूछ सकते हो बेटा, इसमें बेहिचक आप लोग मुझसे डाउट पूछो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और मैं इसी लेक्चर के अलोंग
डीपीपी आपको सेंड करता कर रहा हूं, आप उसी डीपीपी को हैंड टू हैंड कर लीजिए ताकि आपके पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।